काशी धाम में मृत्यु होने पर शिवलोक प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा हिंदुओं का विश्वास है। इसलिए सदानंद की बुआ काशी गई और वहां से वे लौटी ही नहीं। सदानंद ने पुण्यात्मा बुआ का काशी धाम में गंगा जी के घाट पर दाह संस्कार किया और चिरकाल तक उनके शिवलोक में वास करने की व्यवस्था कर दी। फिर वह हलूदपुर नामक ग्राम में वापस आया। बहुत रात हो जाने पर पागल सदानंद ने सोने घर में प्रवेश किया। अपने हाथों से बनाकर उसने थोड़ा सा भोजन किया। तब उसके मन में आया कि मैं जाकर हारान बाबू के घर का हाल ले आऊं। परंतु फिर उसके मन में आया कि इतनी रात में लोगों से मिलने जुलने में सुविधा न होगी। इससे उनके यहाँ जाने का विचार छोड़ बिस्तर में आकर वह सो गया। काशी में निवास करते समय सदानंद के मन में हारान चंद्र के परिवार की समस्याएं दूर नहीं हो सकी थी। हारान बाबू के चरित्र संबंधी दोषों के कारण शुभदा के दुर्भाग्य की बात उसके मन में प्राय आया करती। रोगशैया पर पड़ी हुई बुआ की सेवा में अत्यंत ही व्यस्त रहने पर भी वह उनको भूल नहीं पाता था। बीच में एक बार पत्र लिखकर भी उन सबका हाल लिया था, लेकिन बाद को एक भी पक्ष ने किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया। इससे इधर एक महीने से हारान बाबू के यहाँ का कोई भी समाचार सदानंद को पता नहीं था। वापस घर आ जाने पर सदानंद के हृदय में हारान बाबू के परिवार की समस्याएं विशेष रूप से उदित हो आई। रात में बहुत देर तक उसे नींद नहीं आ सकी। दूसरे दिन सदानंद फूल, बेलपत्र, विश्वेश्वर का प्रसाद आदि बहुत सी वस्तुएं लिए हुए सीधे हारान बाबू के यहाँ जाकर उपस्थित हुआ। घर के भीतर पैर रखते ही उसने शुभदा को देखा। उस वक्त वह आंगन में झाड़ू दे रही थी। झाड़ू रखकर सिर पर का कपड़ा जरा सा खींच लेने के बाद शुभदा ने कोमल स्वर में कहा, कब आए सदानंद? कल रात में आया। सब लोग अच्छे हैं ना? सदानंद दुखित भाव से थोड़ा सा हंसा, फिर वह बोला, सब लोगों में तो बुआ जी अकेली थी, सो उनकी काशी जी में ही मृत्यु हो गई। शुभदा यह सुनकर अपने को संभाल न सकी, आंखों में आंसुओं की धारा बह चली। बड़ी देर बाद वह बोली, भैया ललना भी अब नहीं रही। विस्मित होकर सदानंद ने कहा, नहीं रही? कहाँ गई? रोते रोते शुभदा बोली, जाएगी कहाँ भैया, बेटी मेरे परिवार का दुख क्लेश देखते देखते ऊब गई थी। इससे उसने आत्महत्या कर ली। 5 दिन हुए गंगा तट पर उसकी धोती मिली है। शुभदा फफक फफक कर रोने लगी। सदानंद ने भी आंखें पोंछी, लेकिन उसकी आंखों में 2-1 बूंद से अधिक आंसू नहीं आए थे। शुभदा जब तक शांत नहीं हुई तब तक वह चुपचाप बैठा रहा। आखिरकार उसके शांत होने पर उसने पूछा, कुछ कहकर नहीं गई वह? कुछ नहीं। हारान चाचा कहाँ है? आंखें पोंछकर शुभदा बोली, कह नहीं सकती, किसी किसी दिन वे घर आते जरूर हैं। आजकल वे करते क्या हैं? ये भी नहीं जानती। माधव कैसा है? पहले जैसा ही है। और सब लोग? बाकी सब ठीक है। सदानंद उठने जा रहा था, शुभदा ने कहा, तुम्हारे यहाँ भोजन कौन बनाएगा? मैं स्वयं बना लूंगा। कुछ सोचकर शुभदा बोली, यहाँ भोजन करने में क्या असुविधा होगी? असुविधा क्या है, लेकिन इसके लिए कोई चिंता नहीं है। भोजन बनाने में कोई कष्ट नहीं होता। इससे क्या, तुम यही भोजन करना। कुछ सोचकर सदानंद ने कहा, किंतु आज नहीं, आज बुआ जी का तर्पण करना होगा। शुभदा ने सोचा, सदानंद ठीक ही कहता होगा। इससे उसने फिर कुछ नहीं कहा। घर आकर सदानंद ने द्वार बंद कर लिया और जमीन पर ही वह लेट गया। वह प्रातःकाल 8 बजे का समय था और जब उसकी नींद टूटी तब रात के 8 बजे थे। शुक्ल पक्ष की रात थी, चांदनी का प्रकाश चारों दिशाओं को प्रकाशित किए हुए था। सदानंद घर से निकल पड़ा। एक बगीचे को पार करके शारदाचरण के पिछवाड़े वह जा पहुंचा। वहां एक खिड़की के पास खड़े खड़े काफी देर तक देखने के बाद उसने पुकारा, शारदा। शारदा घर ही में था। सदानंद की आवाज उसके कानों में पड़ी। खिड़की के पास आकर बोला, कौन है? मैं हूं। कौन? सदानंद? हाँ।
तुम कब आए? कल रात में। तो इस तरह क्यों खड़े हो? चलो बैठक में बैठें। नहीं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, तुम यहीं आओ। शारदा चरण के पास आने पर सदानंद ने कहा, ललिता मर गई है, ये बात तुम जानते हो? बहुत ही दुखी भाव से शारदा चरण ने कहा, जानता हूं। क्यों मरी, क्या यह भी तुम्हें मालूम है? यह तो नहीं मालूम, लेकिन मेरा अनुमान है कि पारिवारिक दुख क्लेश के कारण उसने आत्महत्या कर ली है। गौर से शारदा चरण की तरफ देखते हुए सदानंद बोला, और कुछ नहीं जानते हो? नहीं। अपनी दृष्टि को अधिक से अधिक तीक्ष्ण करके सदानंद बोला, तुम अधर्मी हो। पारिवारिक दुख क्लेश के कारण एक आदमी प्राण दे सकता है, और तुम सामने ही वर्तमान रहकर भी उनकी किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकते हो। सदानंद की भाव भंगिमा देखकर शारदा चरण जरा सा संकुचित हो उठा। उसका संकुचित होना स्वाभाविक भी था। बात यह थी कि सदानंद से उसकी बाल्यकाल से ही घनिष्ठ मित्रता थी, इससे उन दोनों को एक दूसरे का रत्ती रत्ती हाल मालूम था। शारदा चरण के संबंध की बचपन की कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो सदानंद को मालूम न रही हो, परंतु इसीलिए आज वह शारदा चरण को चार बातें सुना देता, ऐसी प्रकृति सदानंद की नहीं थी। परंतु शारदा चरण कुछ और ही समझ बैठा। उसने सोचा कि बचपन की बातों को याद करके यह मुझे ताना देने आया है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसने कहा, सदानंद, ये बातें कहने से अब लाभ क्या है? तुम्हें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अभी मेरे पिता जीवित हैं। उनके वर्तमान रहने पर क्या मैं इच्छा अनुसार हर एक आदमी की सहायता कर सकता हूँ, विशेषतः ऐसी परिस्थिति में जबकि उसने मुझसे कभी कुछ कहा नहीं। सदानंद विस्मित हो उठा। उसने कहा, कुछ नहीं कहा? कभी वो तुमसे कुछ कहने नहीं आई थी? इधर तो नहीं आई थी। हाँ, आज से बहुत दिन पहले एक बार जरूर आई थी। किस मतलब से? कहाँ मिली थी वो तुमसे? शारदा चरण, सुनो, मैं सब बतला रहा हूँ। आज से महीना भर पहले की बात है। बड़ी रात को शिव मंदिर में आने के लिए उसने मुझसे अनुरोध किया था। मेरे जाने की इच्छा नहीं थी, परंतु फिर भी गया था। रूंधे हुए स्वर में सदानंद ने कहा, जाने की इच्छा नहीं थी? शारदा चरण, अरे कह तो दिया भाई। सदानंद ने मानो वह बात सुनी ही नहीं, बोला, तब क्या हुआ? उसने मुझसे शादी करने के लिए अनुरोध किया था। किसके साथ? खुद अपने साथ। खुद अपने साथ? अर्थात ललना खुद तुम्हारे साथ शादी करने के लिए इच्छुक थी? तब तुमने क्या कहा? अपनी बचपन की बातों को याद करके शारदा चरण बहुत ही लज्जित हुआ। कुछ झुंझलाहट के साथ उसने कहा, मैं भला कैसे कर सकता था ये काम? पिताजी अभी जिंदा हैं। कुछ क्रोध के कारण, कुछ दुख के कारण और कुछ मन के आवेग के कारण सदानंद बोल उठा, तुम्हारे पिता के जिंदा रहने से क्या लाभ है? अब शारदा गुस्से में भर उठा। पिता के विरुद्ध वह कोई बात नहीं सुन सकता था। बोला, लाभ हानि की बात वे अच्छी तरह जानते हैं। इस विषय पर विचार करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। यह सब मन में ले आना हमें शोभा नहीं देता। जो भी हो, मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। तब वो चली गई? नहीं, तब भी नहीं गई। उसने कहा, तो छलना के साथ ही शादी कर लो। तो तुमने स्वीकार नहीं किया? सदानंद का मुख देखकर तथा उसका मनोभाव ताड़कर शारदा चरण मुस्कुरा कर बोला, अस्वीकार भी नहीं किया? मैंने उससे कहा था कि पिताजी की आज्ञा मिलने पर कर सकता हूँ। सदानंद, तो पिताजी की आज्ञा नहीं हुई? नहीं। क्यों? यह बतलाने की मेरी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन जब तुम पूछते ही हो तो बतलाता हूँ। सुनो, पिताजी मेरी शादी में कुछ धन प्राप्त करना चाहते हैं। हारान बाबू क्या दे सकते थे? यह बात सुनकर भी सदानंद ने अनसुनी कर दी। बोला, तुम्हारे पिता कितना धन चाहते हैं? यह तो मैं नहीं बतला सकता।
उनकी अर्थ प्राप्ति की आशा यदि पूर्ण हो जाए तो भी क्या किसी प्रकार की आपत्ति हो सकती है? शायद नहीं। स्वयं तुम्हें तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छी बात है, फिर देखा जाएगा। इतना कहकर सदानंद फिर झाड़ झंकार पार करता हुआ लौट गया। शारदाचरण बोला, जाते कहां हो, बैठोगी नहीं थोड़ी देर? नहीं सदानंद, मेरा कोई दोष नहीं है। शायद नहीं है, परंतु भगवान जाने दोष है या नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो क्या तुम नाराज हो गए? नहीं। लौटकर घर आने पर सदानंद कुछ देर तक उस कमरे से इस कमरे में और इस कमरे से उस कमरे में घूमता रहा। बाद को वह फिर भीतर से निकल आया। रास्ता पकड़े हुए वह गंगा घाट की तरफ चला। भागीरथी की छोटी छोटी तरंगे बंधे हुए घाट की सीढ़ी पर कल कल छल छल करती हुई आती और धक्का मारकर चली जाती। बाद को वे फिर लौट आते। सदानंद कुछ देर तक उन सबको देखता रहा। कुछ दूरी पर एक बजरा दिखाई दिया। गंगा के प्रशांत वक्ष पर छप छप डांड चलाते हुए नाविक लोग उसे खे रहे थे। सदानंद कुछ देर तक अन्यमनस्क भाव से उसकी तरफ देखता रहा। फिर घाट की सबसे नीचे की सीढ़ी पर बैठकर उसने पानी में पैर डुबो दिए और आकाश की तरफ देखता हुआ वह अपनी धुन में गाने लगा। उस दिन रात के समय जबकि चंद्रमा की उज्जवल किरणों से गंगा का प्रशांत वक्ष प्रकाशित था, सुरेंद्र बाबू का विशालकाय बजरा उत्तर से दक्षिण की तरफ चला जा रहा था। छप छप करके दो डांड धीरे धीरे पड़ रहे थे। देखने में वह ऐसा जान पड़ता मानो कोई मनुष्य शरीर ढीला करके पानी के ऊपर पड़े पड़े धारा के साथ साथ बहता चला जा रहा है। पानी को पीछे की तरफ ठेलने के लिए वह धीरे धीरे हाथ चलाने लगता है। बजरे की छत पर बैठे बैठे सुरेंद्र बाबू जयावती से बातें कर रहे थे। मालती नीचे के कमरे में बैठी थी। खिड़की की तरफ से देख देख कर वह गंगा जी की चांदी के समान शुभ्र तरंगे गिन रही थी। साथ ही साथ वह आंसू पोंछती जा रही थी। मालती समझ गई कि अब हलूदपुर ग्राम आ रहा है। कुछ देर बाद वह गंगा के तट पर वर्तमान पीपल का पेड़ देख पाई। पीपल के पास ही जो बंधा हुआ घाट था वह चंद्रमा की किरणों से चमक रहा था। मालती ने एक बार उस पर निगाह दौड़ाई। उसने यही देखा कि पास हलूदपुर ग्राम निस्तब्ध भाव से निद्रा की गोद में पड़ा हुआ है। मालती अपने मानस चक्षु से उस ग्राम का एक एक घर, प्रत्येक नर नारी का नींद से अभिभूत मुख देखने लगी। यह वही घाट था जिस पर वह उस वक्त जबकि ललना थी दोनों वक्त स्नान करने, कपड़े धोने और हाथ पैर धोने के लिए जाया करती थी। पीतल के घड़े में भरकर इस घाट पर से पानी ले गए बिना न तो पीने को होता था न भोजन बन पाता था। मालती अब मालती थी, अब वह ललना नहीं रह गई थी। तो भी ललना के जीवन के संबंध की एक भी बात वह अभी तक भूल नहीं पाई थी। शुभदा को वह भूल नहीं सकती थी, न माधव को, न हारान मुखर्जी को। उन्हीं सब के विषय की बातें वह सोच रही थी और रोती जाती थी। मालती एक और आदमी को किसी प्रकार नहीं भूल पाती, वह था पागल सदानंद। हलूदपुर के पास बजरा आने से पहले ही उसने अपने कल्पना रूपी नेत्रों से कितने आदमियों को देखा था। वह सोचने लगी, छलना, विंदो, कृष्णा बुआ, गिरिजाया, शैलवती, रमा, इन सब में से कहीं कोई भी तो नहीं है। सदानंद अवश्य अपने पागलपन के लक्षणों से युक्त मुख लिए हुए स्मृति का आधा अंश दखल किए बैठा है। कानों में मानो उसके गीत का स्वर आ रहा है। मालती को ऐसा लगा मानो पागल सदानंद की मस्ती से भरा हुआ स्वर करुण होकर अस्पष्ट भाव से कहीं से आ आकर मेरे कानों में प्रवेश कर रहा है। मालती विस्मित हुई। बहुत ही शांत होकर वह एकाग्र मन से सुनने लगी। उसे निश्चित रूप से यह मालूम पड़ रहा था कि ठीक सदानंद की तरह कोई गीत गा रहा है। बजरा और आगे बढ़ गया। अब मालती ने देखा कि घाट पर कोई आदमी नीचे पानी में पैर रखे हुए बैठा है। गीत उस वक्त समाप्त हो चुका था। मालती उस आदमी को अच्छी तरह पहचान न सकी, लेकिन उसे निश्चय हो गया कि वह सदानंद के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। पागल और सनकी आदमी को छोड़कर
इतनी रात में गंगा जी की गति सुनने के लिए और कौन दौड़ा आएगा। मालती अब फिर बैठकर रोने लगी। सदानंद के संबंध की बातों को जितना ही वह याद करती उतना ही अधिक याद उसे ललना के जीवन की घटनाओं की भी आती। शुभदा, माधव, बुआ जी तथा भाग्यहीन हारान मुखर्जी, ये सभी लोग सदानंद की स्मृति को बीच में रखकर घूम घूम कर आने लगे। अंत में बहुत अधिक रात बीत जाने पर रोते रोते मालती सो गई। नींद टूटी, सवेरा हुआ, सूर्य उदय हुए और क्रमशः दिन चढ़ने लगा, लेकिन मालती उठ ना सकी। उसके सारे अंग में बड़े जोर का दर्द था, शरीर गर्म हो गया, सिर दर्द कर रहा था, साथ ही और तरह तरह के उपसर्ग आ जुटे थे। दासी ने आकर मालती के शरीर पर हाथ रखा और बोली, तुम्हें तो बुखार हो आया है। मालती चुप रही। जयावती ने भी आकर मालती के शरीर पर हाथ रखा और खिड़की खुली हुई देखकर कुछ नाराज हुई, बोली, कोई इस तरह ठीक खिड़की के सामने सोता है? सारी रात पुरवाई हवा लगती रही, इसी से शरीर गर्म हो गया है। मालती ने धीमे स्वर में कहा, नींद लग गई थी, इसी से खिड़की बंद नहीं कर सकी। खबर पाकर सुरेंद्र बाबू स्वयं मालती को देखने आए। उसे सचमुच बुखार हो आया था। साथ में वे होम्योपैथिक दवाई का बक्स लिए हुए थे। उसमें से निकालकर उन्होंने उसे थोड़ी सी दवा खिलाई और जयावती से आग्रह पूर्वक कहा, देखो इसे खूब होशियारी के साथ रखो। जयावती आकर मालती के पास बैठी। कमरे में जितनी खिड़कियां और रोशनदान थे वे सब बंद थे। मालती के दृष्टिपथ पर अब कोई भी वस्तु नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि बजरा चल रहा है या ठहरा है, यह भी वह ठीक ठीक नहीं समझ पा रही थी। कमरे में जयावती के अतिरिक्त और किसी को न देखकर बोली, दीदी। मालती ने जयावती को दीदी कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। क्या तुम बता सकती हो कि हम लोग कितने दूर आ गए हैं? जयावती, 8-10 कोस के लगभग। मालती को यह जानने की इच्छा नहीं, उसने पूछा, कलकत्ता अभी कितनी दूर है? अभी भी प्राय 2 दिन का रास्ता है। मालती ने चुप रहकर कुछ सोच लिया। बाद को वह बोली, दीदी अगर तब तक मैं अच्छी ना हो सकूं? जयावती इस बात का मतलब समझ गई। स्त्री ऐसे समय मन में ईर्ष्या का भाव नहीं रखती, जरा सा हंसकर बोली, तब हम लोग तुम्हें इसी पानी में बहा देंगे। मालती भी जरा हंसी, किंतु इस हंसी और उस हंसी में जरा सा अंतर था। वह बोली, ऐसा होता तो अच्छा ही था दीदी। जयावती संकुचित हो उठी। इस बात का और भी अर्थ हो सकता है, यह सोचकर उसने मुंह से बात नहीं निकाली थी। इससे वह बोली, छी ऐसी बात भी कोई करता है? मालती चुप हो गई, उसने उत्तर नहीं दिया। मौन भाव से वह सोच रही थी कि जयावती की बात अगर सच हो जाए तो कैसा हो, क्या अच्छा होगा? वह नहीं, यह अच्छा ना होगा। उसकी मरने की इच्छा नहीं थी? उचित रूप से प्रश्न करने पर यही उत्तर देती कि मरने में जो दुख है उससे अधिक दुख मुझे हो रहा है, किंतु फिर भी मैं मर ना सकूंगी। मैं मौत से नहीं डरती, तो भी मुझे मरने की इच्छा नहीं है। जो लोग इस बात की इच्छा कर सकते हैं उनका दुख शायद अधिक नहीं होता। सोचते सोचते एक बूंद आंसू मालती की आंखों से टपक पड़ा। जयावती ने स्नेह पूर्वक उसे पोंछ दिया और बोली, चिंता क्यों करती हो बहन? पुरवाई हवा लग जाने के कारण शरीर जरा गर्म हो गया है, इसके लिए क्या इस तरह चिंतित होना चाहिए? इतना कहकर जयावती कुछ देर तक सोचती रही। बाद को सावधान होकर वह बोली, इसके सिवा यदि बुखार इस तरह शांत न होगा तो उसका भी तो उपाय है। पास ही कलकत्ता है, वहां क्या डॉक्टरों और वैद्यों की कमी होगी? कमी किसी वस्तु की नहीं थी, जरूरत भी किसी वस्तु की नहीं पड़ी। बजरा जिस दिन आकर कलकत्ता पहुंचा उस दिन मालती को बुखार नहीं था, लेकिन शरीर उसका कमजोर हो गया था। अभी तक वह कुछ खा नहीं सकी थी। कलकत्ता नगर से जरा दूर और आगे बढ़कर उस पार बजरा लंगर डालकर खड़ा कर दिया गया। कमरे की खिड़की खुली हुई थी, उसी से मुंह निकालकर मालती देखने लगी। कितने जहाज थे, कितने जहाजों के केवल मस्तूल दिखाई पड़ रहे थे, कितनी बड़ी बड़ी नौकाएं थी,
कितनी ही राजप्रसाद के समान ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं की चोटियां पंक्तिबद्ध दिखाई पड़ रही थी। मालती को भय हो रहा था। वह सोच रही थी, क्या यही कलकत्ता है? यदि हाँ, तो इतने झमेले इतने कोलाहल में मेरी बातों को भला सुनेगा कौन? ऐसे नगर में जहाँ एक एक आदमी कामकाज के भार से दबा रहता है, मुझे देखने के लिए अवकाश किसे होगा? परंतु कुछ भी हो, अब तो मुझे इस नगर में प्रवेश करना ही होगा। जिस उद्देश्य से मैंने यह अत्यंत ही साहसपूर्ण काम कर डाला है, जिसका मुख देखकर मैं नरक में डुबकियां लगाने को तैयार हुई हूँ, जिनको सुखी करने की इच्छा से मैंने अपने इस लोक और परलोक के संबंध में तनिक भी सोच विचार नहीं किया, उन सबको मैं इतनी जल्दी भूल ना सकूंगी। आज न सही तो कल इस आश्रय का परित्याग करना ही होगा। जो काम करना ही है, फिर उससे डरना क्या? मालती ने जाने का तय कर लिया, किंतु सुरेंद्र बाबू ने यह बात फैला दी कि बजरा यहाँ पर 3-4 दिनों तक और बंधा रहेगा। मालती का शरीर जब ठीक हो जाए तब जहाँ चाहेगी चली जाएगी। जिस दिन वह जाएगी उसी दिन बजरा भी खुलेगा। यह बात सुनकर मालती ने सुरेंद्र बाबू को मन ही मन बहुत धन्यवाद दिया। अंतःकरण से प्रार्थना भी वह यही कर रही थी। बात यह है कि काम चाहे कितना ही आवश्यक और महत्वपूर्ण क्यों न हो, आश्रय का परित्याग करके निराश्रित होने के लिए मन को सहमत करना कोई आसान काम नहीं होता। इससे पहले ही वह इस संबंध में अपने आप से कितना कलह कर चुकी थी। अब मानो उसे इतना मौका मिल गया कि वह जरा सा दम लेने के बाद मन को समझा बुझाकर वैसा करने के लिए तैयार कर ले। दूसरे दिन दोपहर को जयावती ने घूमकर कलकत्ता नगर देखने का इरादा किया। गाड़ी और डोंगी ठीक करके नौकर ने उसे सूचना दी। जयावती ने साथ चलने के लिए बाबू साहब से भी बड़ा आग्रह किया, परंतु वे किसी प्रकार राजी नहीं हुए। जयावती के साथ जाने की मालती ने इच्छा प्रकट की थी, किंतु उन्होंने उसे भी रुकवा दिया और कहला भेजा कि अभी तुम्हारा शरीर अच्छा नहीं है, फिर कहीं बुखार न हो जाए। इससे लाचार होकर एक नौकरानी और एक नौकर लेकर जयावती को अकेले ही भ्रमण के लिए जाना पड़ा। मालती अंदर कमरे में लेटी हुई थी। एकाएक द्वार खोलकर सुरेंद्र बाबू ने उसमें प्रवेश किया। तब संकुचित होकर मालती उठकर बैठ गई। जरा दूरी पर सुरेंद्र बाबू भी बैठे। इसी प्रकार काफी वक्त बीत गया। वे आए थे यह सोचकर कि मालती से कुछ बातें करूंगा, परंतु उसके पास आने पर उन्हें मुंह खोलने का साहस नहीं हो रहा था। अंत में कुछ सोच विचार करने के बाद वे बोले, क्या तुम यहाँ अवश्य ही उतर जाओगी? सिर हिलाकर मालती बोली, हाँ। क्या तुमने इस विषय पर अच्छी तरह विचार कर लिया है? जी, कर लिया है। कहाँ जाओगी? यह तो मैं नहीं जानती हूँ। सुरेंद्र बाबू हंस पड़े, बोले, तब तुमने क्या सोच विचार किया है? आज नहीं, कल एक बार घूमकर कलकत्ता देख आना। तब निश्चय का परित्याग करके यदि तुम्हें अनिश्चित ही अच्छा लगे तो चली जाना, मैं रोकूंगा नहीं। मालती कुछ बोली नहीं। सुरेंद्र बाबू भी कुछ देर तक मौन बने रहे। बाद को पहले की अपेक्षा कुछ खिन्न भाव से बोले, जितना तुमने नहीं सोचा उतना मैंने सोच लिया है। तुम ब्राह्मण की बेटी हो, नीच वृत्ति न कर सकोगी। एक सभ्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति की बेटी होने के कारण किसी सभ्य परिवार में यदि न प्रवेश कर पाओगी तो रह ना सकोगी। ऐसी अवस्था में किसी सहायक के बिना इतने बड़े नगर में तुम अपने लिए कैसे उपयुक्त स्थान ढूंढ लोगी? यह बात मेरी समझ में तो नहीं आई। कुछ देर चुप रहने के बाद सुरेंद्र बाबू ने फिर कहा, जरा यह भी सोचो, क्या तुम इस अवस्था में अपनी मर्यादा की रक्षा करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सकोगी? मुझे संदेह है कि कहीं तुम संकट में ना पड़ जाओ। मुंह से कोई बात ना निकालकर मालती रोती रही। इन सभी विषयों पर उसने विचार किया था, किंतु वह करती क्या, बिल्कुल निरुपाय थी। सुरेंद्र बाबू ने पहले भी मालती को रोते हुए देखा था, किंतु उसका इस बार का रोना और ही ढंग का था। उन्होंने पूछा, तो क्या जाने का ही पक्का रहा? आंखें पोंछकर मालती ने सिर हिलाया, हाँ। नारायणपुर के जमींदार श्रीयुत सुरेंद्र बाबू के संबंध में
बहुतों की धारणा यही थी कि विवेक की मात्रा का इनमें सर्वथा अभाव है, परंतु वास्तव में बात ऐसी नहीं थी। जो लोग इन्हें ऐसा समझा करते थे, उन सब की अपेक्षा संभवतः वे 100 गुना अधिक समझदार थे, परंतु कभी कभी वह दुर्बल स्वभाव के आदमी का सा काम कर बैठते थे। इससे कोई उन्हें आसानी से नहीं समझ पाता था। मालती की मन की बात उन्होंने परख ली, इससे वे मन ही मन जरा सा हंसे। फिर मालती जब कुछ शांत हुई तब बोले, मालती तुम्हें रुपयों की बहुत जरूरत है ना? मालती की आंखों में फिर आंसू भर आए। इतनी जरूरत शायद संसार में किसी को नहीं है, मालती ने रुलाई को रोककर लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। बड़ी आवश्यकता है। सुरेंद्र बाबू हंसे। अब उन्हें जानने को कुछ बाकी नहीं था। दूसरे का दुख देखकर उन्हें हंसी आई। हंसी आने का कारण भी था। कुसंगति के दोष से यह बात वह भूल ही गए थे कि इन लोगों का भी युक्ति संगत कारण हो सकता है। हंसी का कुछ भाव मुंह से निकल गया और कुछ को उन्होंने दबा लिया और कहा, तब तुम रोती क्यों हो? भगवान ने तुम्हें रूप दिया है, अवस्था भी तुम्हारी युवा है, जिस पर तुम जा रही हो कलकत्ता। अब तुम्हें पैसों के लिए चिंता न करनी पड़ेगी। तुम्हें तो ऐसा मालूम पड़ेगा मानो कलकत्ता में रुपया पैसा चारों तरफ फेंका पड़ा है। मालती को ऐसा मालूम हुआ मानो वज्र की चोट के कारण मेरा सिर फटकर जमीन पर गिर पड़ा है। इस समय अगर मैं कूदकर पानी में गिर पड़ूं तो भी विशेष हानि न होगी। मालती इस तरह का कोई एक काम करने जा रही थी, इतने में एकाएक कुछ उसे बाधा का अनुभव हुआ। उसे यह अनुभव हुआ मानो वह बेहोश होकर किसी आदमी की गोद में गिर पड़ी हो, परंतु इस गोद में मानो आग जल रही है। बड़ी कड़ी है वह, बहुत गर्म। अणु मात्र भी मांस नहीं है, उसमें लेश मात्र भी कोमलता नहीं है, बिल्कुल पत्थर है वह, कुल अस्थि ही अस्थि। बेहोशी में होने पर भी मालती कांप उठी। जिस वक्त उसे चेतना आई, उस वक्त उसे यह नहीं मालूम हुआ कि वह किसकी गोद में लेटी हुई है। आंख खोलकर उसने देखा कि वह अपनी शैया पर लेटी हुई है और पास ही बैठे हुए सुरेंद्र बाबू उसके मुंह की ओर देख रहे हैं। शर्म के कारण उसका चेहरा लाल हो उठा। दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर उसने करवट बदल ली। कुछ देर बाद सुरेंद्र बाबू ने कहा, मालती कल तड़के में बजरा खोल दूंगा, परंतु मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। निश्वास बंद करके मालती सुनने लगी। सुरेंद्र बाबू कहते ही गए, जिस अभिप्राय से तुम कलकत्ता जाना चाहती हो वह अभिप्राय हो जाएगा। यह वृत्ति संभवतः पहले कभी तुमने नहीं की है, इस वक्त भी तुम्हारे किए न होगी। तुम्हें जितने धन की आवश्यकता हो, जितने आनंद की कामना हो, वह सब मुझसे ही तुम प्राप्त कर सकती हो। मालती की रुकी हुई सांसों के साथ आंखों में आंसू निकल पड़े। सुरेंद्र बाबू यह ताड़ गए। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपनी गोद में खींच लिया और कहा, जरा सोचो तो, तुम्हें यहाँ छोड़कर अगर मैं चला जाऊंगा तो क्या तुम जीवित रह सकोगी, या मैं ही शांत मन से लौट सकूंगा? सुरेंद्र बाबू ने उसे और हृदय के नजदीक खींच लिया। वे स्नेहपूर्वक उसके आंसू पोंछने लगे और लज्जा के कारण संकुचित हो उठे। उसके होठों को चूमकर उन्होंने कहा, चलोगी ना? मालती का सारा शरीर रोमांचित हो उठा। उसके अंग प्रत्यंग कांप उठे। अब वह पहले किसी नहीं रही, अब वह ललना नहीं रही, वह मालती भी नहीं है, वह तो अब जो है वही है, वह सुरेंद्र बाबू की चिरसंगिनी है, आजन्म की प्रणयिनी है, वह सीता है, वह सावित्री है, वह दमयंती है। सीता सावित्री का नाम क्यों ले, वह तो राधा है, वह चंद्रावती है, इसमें ही उसे क्या हानि है? सुख शांति और स्वर्ग की गोद में आश्रय मिल जाने पर मान अपमान का क्या प्रश्न रह जाता है? मालती निस्पंद अचेतन सोने की मूर्ति के समान सुरेंद्रनाथ की गोद में पड़ी रही। वह गोद अब ऐसी नहीं रही कि उसमें अस्थि ही अस्थि हों। अब वह न पत्थर के समान कठोर थी और न अंगार के समान उत्तप्त थी। अब वह शांत थी, स्नेहमयी थी, कोमल थी, मधुमय थी। मालती ने यह अनुभव किया कि इतने दिनों तक वह शापग्रस्त थी, अब स्वर्ग में आ गई है। उसका जो धन छीन लिया गया था, इतने दिनों के बाद उसे फिर मिल गया है। अब मालती के बंद होठ फिर खुल उठे थे।
सुरेंद्र बाबू उन होठों का बार बार चुंबन कर रहे थे और पाप के प्रथम सोपान पर अवतरण करके मालती अपने आप को भूल गई। वह स्वर्ग के सुख का उपभोग करने लगी। उस समय सूर्य अस्त हो रहे थे। खिड़की की सांस से यह पाप कर्म वे देखते गए। अपराहन के सूर्य की रक्तवर्ण किरणों के स्पर्श से मालती का मुखमंडल सुरेंद्र बाबू की दृष्टि में हजार गुना अधिक सुंदर प्रतीत हो रहा था। उन्होंने बड़े आवेग से, बड़ी तृष्णा से उस मुख का बार बार चुंबन करके कहा, क्यों मालती, चलोगी ना मेरे साथ? चलूंगी। सुरेंद्रनाथ उन्मत्त हो उठे, बोले, तो चलो, इसी समय चले। किंतु दीदी? दीदी कौन? वे ही, तुम्हारी स्त्री। सुरेंद्रनाथ मानो एकाएक सोते से जाग पड़े। कांपते हुए उन्होंने कहा, मेरी स्त्री? उसकी मृत्यु हुए तो बहुत दिन हो गए। तो जयावती? सुरेंद्रनाथ ने एक रूखी हंसी हंसकर कहा, जयावती मेरी स्त्री नहीं है, उसके साथ मैंने कभी विवाह नहीं किया। तो क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, तुम मेरी सब कुछ हो, वो कोई नहीं है। अब मालती ने सुरेंद्रनाथ के गले में अपनी बाहें डाल दी। उसने उसकी गोद में मुंह छुपा लिया। मुक्त कंठ से वह बोली, मैं तुम्हारी चिरकाल की दासी हूं, कभी मेरा परित्याग ना करना। नहीं, कभी नहीं करूंगा। तो मुझे ले चलो। चलो। आज? इसी समय। इतने में धरो, पकड़ो, दौड़ो, डूबा डूबा की आवाज हजारों कंठ से निकलकर तुमुल कोलाहल के रूप में परिणत हो गई। सुरेंद्रनाथ दौड़ते हुए कमरे से निकल आए। उनके पीछे पीछे मालती भी आई। सुरेंद्रनाथ ने देखा कि इस पार और उस पार चारों ओर मल्ला और कुली मजदूर दौड़ दौड़कर इकट्ठे हो रहे हैं और व्याकुल भाव से चिल्ला रहे हैं। साथ ही कुछ दूर पर बीच गंगा में एक डोंगी स्टीमर से टकरा जाने के कारण लगातार पानी में डूबती जा रही है। सुरेंद्रनाथ ने पल भर में समझ लिया कि क्या घटना हुई है। वे चिल्ला उठे, उसी में मेरी जया है। साथ ही साथ वे पानी में कूदने को थे कि मालती ने उन्हें पकड़ लिया। पागलों की तरह छटपटाते हुए सुरेंद्रनाथ फिर चिल्ला उठे, पकड़ो मत, मुझे पकड़ो मत, मेरी जया डूबी जा रही है। इतने में वह छोटी सी नाव उस बड़े से स्टीमर के नीचे धीरे धीरे बैठ गई। सुरेंद्रनाथ, मांझी, मल्ला तथा नौकरों आदि के हाथों पर बेहोश होकर गिर पड़े। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद श्रोताओं। शेष कहानी अगले भाग में।